मैंने इस पर जाकर आज हम पढ़े एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं, मींस सेकंड पार्ट। तो देखिए इसमें भी इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड। अब हमें थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2। 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे सबट्रैक्ट। ओके, मींस ऐड करेंगे इसमें, इसमें सबट्रैक्ट ही करेंगे हम, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x, और ये यहाँ पे प्लस करो तो प्लस 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 हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। इक्वल टू में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। एक्स हम यही रहने देंगे, 14 अपॉन में 7 करेंगे, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2। ओके, नेक्स्ट हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस में 4 ब्रैक वाई इक्वल टू में 10, यही है। तो 3 2 जा 2 ही होगा, 3 2 जा 6x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। ये कर देंगे, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू 6 ही रहेगा, तो 4y इक्वल टू में 10। यहाँ पे क्या ये प्लस कर जाके माइनस को हो जाए तो 4y इक्वल टू में 4 हो जाएगा, y इक्वल टू में 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1। ओके, ऐसे हमें सेकंड मींस सेकंड वाले मेथड में यूज करना है। सो देखिए कैसे करेंगे, बाय पहले हमें क्या इक्वेशन दी गई है, ये। तो इस इक्वेशन में हम कॉमन क्या लें, कॉमन लेंगे तो सारे किसी में 2 2 है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में जाएगा x माइनस y इक्वल टू में 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्म आएगी। तो इसमें से हम x माइनस y इक्वल टू 1 ले लेंगे, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में लेंगे x इक्वल टू में y, सॉरी 1, यहाँ पे y प्लस का माइनस का जाके प्लस का y हो जाएगा, तो x की टर्म पे हम ये वाले टर्म डालेंगे। अब हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन, जो ये फर्स्ट इक्वेशन, बाय पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, 1 अपॉन में y प्लस में 4y इक्वल टू में 10। तो 1 3 जा 3, 1 3y प्लस में 4y इक्वल टू में 10। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7y प्लस में 3 इक्वल टू में 10। 7y को हम इधर रहने देंगे, इक्वल टू में 10 माइनस 3 करेंगे तो 7y इक्वल टू में 7 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू में 7 हो जाएगा, तो y को हम इधर रहने देंगे, 7 है अपॉन में 7 रहने देंगे, 7 से 7 कट हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो देखिए इस वाले पार्ट में y की वैल्यू 1 थी, इस वाले पार्ट में y की वैल्यू 1 थी, इस वाले पार्ट में x की वैल्यू 2 थी, इस वाले पार्ट में वही रहती, लेकिन हमने ये सॉल्व किया तो इसलिए हमारी ये टर्म आ गई। ओके, अब देखिए अगर आप y निकालेंगे, सॉरी x निकाल लेंगे, तो देखिए x निकालने की क्या करेंगे, टर्म डालेंगे x के लिए, 2x माइनस 2y, सॉरी फर्स्ट टर्म लेंगे हम, फर्स्ट टर्म देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 4y इक्वल टू में 10। ओके, 3 2 जा 6 प्लस में 4y इक्वल टू में 10। तो 4y हमारा इधर रहेगा, 10 में से माइनस क्या गया 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे, तो ये y की वैल्यू निकल रही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो x y की वैल्यू निकली है, तो हमारे y की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे, देखिए 3x प्लस में 4 y की वैल्यू 1 इक्वल टू में 10। 3x 4 वन जा 4 इक्वल टू में 10, 3x इक्वल टू में 10, यहाँ प्लस का है 4, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x इक्वल टू में 6, x इक्वल टू में 6 अपॉन में 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ओके, वहां पे मैं x की वैल्यू डाल रही थी, लेकिन हमें डालनी तो y की थी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट। थैंक्स।